गुड इवनिंग ऑल, इट्स पंकज खामरे अगेन, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मैं लेके आया हूँ प्रेडिक्शंस के बारे में, जो टीम्स रहेगी उसके बारे में। अब सुपर 12 शुरू होने वाला है, सुपर 12 शुरू होने वाला है, कल से मैचेस शुरू होने वाला है सुपर 12 की। तो अपन इस बारे में थोड़ा सा देख लेते कि अब पहली जो मैच है उसके हिसाब से कौन सी टीम रहेगा, थोड़ा सा इस बारे में जान लेते अपन। पहला मैच है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका बीच, इन दोनों के बीच में 18 मैचेस हुए, 18 में से 11 मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीता है और 7 मैचेस साउथ अफ्रीका जीता है। ये है एक्चुअल में इन दोनों का रिकॉर्ड, और ये मैच होने वाला है अबू धाबी में। तो थोड़ा सा ट्रैक के बारे में देखते हैं अपन। अबू धाबी जो है ये थोड़ा स्लो ट्रैक है, इट इज़ लिटिल बिट स्लो ट्रैक, स्पिनर्स को यहाँ पे हेल्प होगा। और जहाँ तक मैंने देखा है 150-160 स्कोर इज़ ए गुड स्कोर, पार स्कोर। और इसके अलावा जो टॉस जीतेगा, मेरे हिसाब से जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग लेगी, क्योंकि चेसिंग में, इन द चेसिंग देयर आर मोर चांसेस ऑफ विनिंग देन द बैटिंग फर्स्ट। तो इस तरह से ये थोड़ा सा पिच है, पिच पे हेवी रोलर लगाया जाता है, हेवी रोलर लगाने की वजह से थोड़ा पिच स्लो होता है, क्रैक्स देखना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से थोड़ा स्लो रहेगा अबू धाबी का स्पिच, जैसे कि अपन ने आईपीएल में देखा था। तो थोड़ा सा प्रेडिक्टेड स्कोर 150-160 रहेगा। अब थोड़ा सा देखते हैं टीम्स, ये टीम मैंने मेरे हिसाब से बना, यू कैन मेक सम ऑफ द चेंजेस इन टू इट, सो जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग। सो एज फार एज माई आई एम कंसर्न, देयर इज द विकेट कीपर, तो विकेट कीपर दोनों टीम्स के पास में है, अच्छे विकेट कीपर से, बट मेरे हिसाब से क्विंटन डीकॉक, क्योंकि वो ओपनिंग खेलते, सो मेरे हिसाब से क्विंटन डीकॉक रहना चाहिए टीम में। सो माई फर्स्ट पिक एज ए विकेट कीपर इज क्विंटन डीकॉक। उसके बाद में बैटिंग में, सो बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया का मेन प्रॉब्लम भी शुरू है उनका बैटिंग, और कैसा है कि ये जो पिच है अबू धाबी का, ये थोड़ा स्लो पिच है, और यहाँ पे वार्नर ने स्कोर नहीं किया है, बट आई विल टेक वार्नर, बिकॉज सबको पता है कि वार्नर किस तरह के प्लेयर है, उनको सिर्फ एक इनिंग चाहिए अच्छा खेलने के लिए। तो आई थिंक मैंने मेरे टीम में डेविड वार्नर को लिया है, एक डेविड वार्नर। उसके अलावा क्योंकि अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादा विकेट्स जाती है, तो उनके लिए उनको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो अच्छे से वहाँ ठहरे थोड़े देर के लिए। सो मैं, और पिछले मैच में भी स्मिथ ने कुछ रन बनाए, तो मेरे हिसाब से दूसरे बैट्समैन रखे स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर एंड स्टीव स्मिथ, ये है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर। उसके बाद में साउथ अफ्रीका के लिए, दो मैंने एक प्लेयर तो पक्का है एज ए बैटिंग, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने पाकिस्तान को हराया था वार्म अप मैच में, जो कि ब्रिलियंट 100 किया था आर वॉन डेन ड्यूसर, मतलब रॉन वैन डेर ड्यूसर, ये जो उनके प्लेयर है एज ए बैट्समैन, ही इज़ वेरी गुड एज ए बैट्समैन, उन्होंने 100 स्कोर किया था। तो मेरे हिसाब से पक्का आर वैन डेर ड्यूसर, ही शुड बी देयर इन द टीम। उसके अलावा मैं जो साउथ अफ्रीका के कैप्टन है टेम्पा बहुमा, इन्होंने भी पिछले दो मैच में 40-45 स्कोर किया था वार्म अप में, आप इनको भी ले सकते हो इनके जगह एडम मार्करम, इज ऑल्सो ओपनर, तो इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, या फिर टेम्पा बहुमा या फिर एडम मार्करम। सो मैंने मेरे हिसाब से मैंने मेरे टीम में टेम्पा बहुमा को लिया है। सो मेरे जो चार बैट्समैन है वो है आर वैन डेर ड्यूसर, टेम्पा बहुमा, डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ, ये हो गई मेरी बैटिंग लाइनअप। अब अपन जाते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। ऑलराउंडर्स में यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि किस तरह का पिच है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी सबसे अच्छे फॉर्म में आईपीएल से ग्लेन मैक्सवेल, सो ऑब्वियसली ग्लेन मैक्सवेल शुड बी देयर, पक्का ये अच्छा स्कोर करेगी। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में और दो ऑलराउंडर है, एक है मार्कस स्टोइनिस और मिशेल मार्श, ये दोनों अच्छे ऑलराउंडर है, बट मुझे लगता है कि मिशेल मार्श पहले आएंगे स्टोइनिस से पहले बैटिंग करने, तो दैट्स वाई आई हैव टेकन मिशेल मार्श इन द टीम। तो ग्लेन मैक्सवेल, मिशेल मार्श, उसके बाद में साउथ अफ्रीका के पास में डीप प्रिटोरियस, जो कि अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं आजकल, तो उनको मैंने लिया है। तो मेरे हिसाब से जो ऑलराउंडर है वो ग्लेन मैक्सवेल, मिशेल मार्श, डीप प्रिटोरियस, मिशेल मार्श की जगह आप मिशेल टॉइनस को भी ले सकते हो। उसके बाद में आती है बॉलिंग की टीम। सो थोड़ा सा बॉलिंग के बारे में एक बार चेक कर लो आप कि बॉलिंग में हम लोग कौन कौन ले सकते हैं, या फिर आप दो ऑलराउंडर लेके भी एक चेंज करा सकते हो इस हिसाब से। तो मेरे हिसाब से बॉलिंग में
स्लो ट्रैक रहने की वजह से एक ऑलराउंड एक स्पिनर है साउथ अफ्रीका जो अच्छा बॉलिंग कर रहे पिछले कुछ तीन चार सीजन, दैट इज़ तबरेज़ शम्सी। तो आप लोगों ने तबरेज़ शम्सी को लेना चाहिए, ही इज़ अ वेरी गुड स्पिनर और वो यहाँ पे काम में आएंगे। उसके अलावा कगिसो रबाडा वर्ल्ड के बेस्ट डेप्थ बॉलर है तो उनको भी मैंने लिया है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पास में आपके पास दो चॉइस है, यू कैन टेक जॉस हेजलवुड और यू कैन टेक मिशेल स्टार्क, बोथ आर द विकेट टेकिंग, सो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। तो मेरी बॉलिंग लाइनअप है कगिसो रबाडा, तबरेज़ शम्सी, जेसन हेजलवुड एंड मिशेल स्टार्क। तो ये मेरा टीम हो गया। तो मेरा टीम मैंने जो बनाया वो है क्विंटन डीकॉक एज अ विकेट कीपर, आर वैंडर ड्यूसन, टेम्पा वोमा, डेविड वार्नर एंड स्टीव स्मिथ, दीज आर माई बैट्समैन। ऑलराउंडर में मैंने लिया ग्लेन मैक्सवेल, मिशेल मार्स और डी प्रिटोरियस को, ये मेरे ऑलराउंडर। और बॉलिंग में मैंने लिया कगिसो रबाडा, तबरेज़ शम्सी एंड मिशेल मार्स मिशेल स्टार और जॉश हेसलवुड, ये दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। सो दिस इज़ माई टीम ऑफ द 11 प्लेयर्स। सो आई होप ये टीम मैंने मेरे हिसाब से बनाया, ये टीम आपको बोलने। उसके अलावा सबसे ज़रूरी है कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो मेरे हिसाब से हम लोग कैप्टन एक तो वार्नर का भी बना सकते थे, बट थोड़ा सा वार्नर का भी फॉर्म अच्छा नहीं। तो मेरे हिसाब से दोनों में से अगर किसी को कैप्टन बनाया तो मैंने ग्लेन मैक्सवेल को बनाया कैप्टन, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल इज़ इन गुड फॉर्म। अगर ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स जल्दी जाएगी तो ग्लेन मैक्सवेल जल्दी आएंगे, और जितने जल्दी ग्लेन मैक्सवेल आएंगे उतना ज़्यादा समय मिलेगा उनको पिच में। और वाइस कैप्टन मैंने आर वैंडर ड्यूसन को मैंने वाइस कैप्टन बनाया, या फिर क्विंटन डीकॉक को भी आप वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो मेरे कैप्टन है मेरे टीम के ग्लेन मैक्सवेल और वाइस कैप्टन है क्विंटन डीकॉक, आर वैंडर ड्यूसन। सो दिस इज़ माय प्रेडिक्टेड 11 बेसिकली। अब अपन जाते हैं रिजल्ट्स की तरफ। व्हाट इज़ माय प्रेडिक्शंस फॉर द रिजल्ट? आई थिंक इन दिस मैच देर इज स्लाइड, अगर मैक्सवेल बहुत अच्छा स्कोर कर गए देन देर इज चांस फॉर ऑस्ट्रेलिया। बहुत लोगों को लगेगा ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, बट माय प्रेडिक्शन आर साउथ अफ्रीका इज गोइंग टू विन। मुझे लगता है स्लाइड अच्छा मैच होगा, शायद साउथ अफ्रीका जीतेगा। अगर मैक्सवेल और वार्नर स्पेशली ये दो प्लेयर अगर खेल गए देन एंड देन ओनली ऑस्ट्रेलिया गॉट द चांस, अदरवाइज आई थिंक साउथ अफ्रीका इज गोइंग टू विन दिस मैच। सो दिस इज ऑल अबाउट माई ड्रीम 11 टीम। आई होप ऑल ऑफ यू लाइक इट। सो अगले वीडियो के साथ अपन आते हैं नेक्स्ट बार। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल #PKTheGoToFan। थैंक यू।